हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल से बाड़ी आप प्रश्न में डॉक्टर सतीन त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों एक यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहले हम लोग सब्जेक्ट की लिस्ट देख लेते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके काम का ये वीडियो है या फिर नहीं है, मतलब आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है भी या फिर नहीं है, और आपका यदि सब्जेक्ट है तो उसमें सीट है कि नहीं, आप इसको जरूर से देख लें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और वैकेंसी करके दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे यदि बात करें तो AIH ये करके सब्जेक्ट दिया है, इसमें दो सीट की बात की गई है। दोस्तों मैं केवल आपको सब्जेक्ट का नाम बताते जा रहा हूँ, बाकी उसके सामने जो है सीट दी हुई है आप देखते जाए। ठीक है, सेकंड नंबर पे यदि सब्जेक्ट की बात करें तो ये बॉटनी है, देन केमिस्ट्री, उसके बाद जो है कॉमर्स है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, देन एजुकेशन, उसके बाद जो है इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथिली, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड जूलॉजी। इस तरह से टोटल यदि हम लोग यहाँ पे टोटल सीट्स की बात करें तो 472 की बात की गई है, मतलब 472 यहाँ पे सीट दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो किस यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है पीएचडी का। ठीक है, उसके बाद अदर डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है, केवल मैं आपको वो सारे डिटेल्स में बता दूंगा जो हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सारा ये पूरा ही नोटिफिकेशन को आप जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ललित नारायण मैथिली यूनिवर्सिटी जो कि ये कामेश्वर नगर दरभंगा जो कि बिहार में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन की बात की गई है, इसमें पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021-22 के लिए जो है आया हुआ है नोटिफिकेशन। इसमें दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है पीएचडी एडमिशन टेस्ट पे 2021-22 के लिए, पीएचडी कोर्स के लिए जो है, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 24/1/2023 से 10/2/2023 तक, और आगे बात की गई विद लेट फाइन अप टू 15/2/2023। ठीक है, मतलब लेट फाइन के साथ जो है ये 15/2/2023 तक जो है फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। और दोस्तों एक बार आपको वेबसाइट बता देते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इसकी वेबसाइट है www.lnmu.ac.in। इसकी एक बार फिर से वेबसाइट आपको बता देते हैं www.lnmu.ac.in जो इसकी वेबसाइट है। और दोस्तों अभी हम लोग लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी चल के देखेंगे कि कहाँ से जाकर के इस पीएचडी नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे बात की गई है डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट की, तो ये 2 मार्च 2023 को जो है दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए जैसा कि दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है बी, इसमें ए बी करके दिया है एलिजिबिलिटी में, तो आप बी में जैसा देख सकते हैं रिलैक्सेशन की बात की गई है कि 55% के जगह पे यदि आपका 50% है लेकिन आप इन कैटेगरीज में यदि आते हैं तो। ठीक है, जैसे एससी या फिर एसटी या फिर बीसी या फिर ईबीसी और ईडब्ल्यूएस और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट हैं, इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब यदि आपका 55% नहीं है मास्टर डिग्री में, 50% भी है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एग्जम्पशन की बात की गई है, एग्जम्पशन फ्रॉम द पैट 2021-22, मतलब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उससे आप एग्जाम्ट होंगे। किस केस में, तो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी ये अलग अलग करके कैटेगरी दिया हुआ है, इसमें एक हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जो नेट या फिर जेआरएफ या बीईटी या फिर पैट 2029 या फिर पैट ऑफ एलएनएमयू, ठीक है, एंड और हैज सिक्योर्ड ग्रांट्स फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप और स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाई DBT और ICMR और ICR और DST और CSSIR और ICHR etc. ठीक है, विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम PhD एडमिशन टेस्ट। मतलब ऐसे यदि कैंडिडेट हैं, ठीक है, यदि इन एग्जाम्स को जैसे कि ये क्लियर किए हों या ऐसी फेलोशिप या स्कॉलरशिप उनके पास है, इन दैट केस जो है वो PhD एडमिशन टेस्ट से एग्जम्प्ट रहेंगे। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पे इसमें दिया हुआ है तो आप देख लें यदि आप पे अप्लाई होता हो तो। ठीक है दोस्तों, इसमें नोट 1 नोट 2 करके दिया हुआ है तो इसको आप जरूर से देख लेना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिया है नोट 1 में, कैंडिडेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पैट 2021-22 आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद रिक्वेसाइट फी। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो एग्जम्प्ट हैं पैट 2021-22 से, उनको भी रिक्वायरमेंट है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेसाइट जो फी है, मतलब उसके साथ इनको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद नोट 2 में दिया गया है, इसको भी आप एक बार जरूर से देख लें। जैसे दिया, कैंडिडेट ऑफ एग्जम्प्टेड कैटेगरी विल हैव टू अपीयर डायरेक्टली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एज पर शेड्यूल अलॉन्ग विद कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड पैट 2021-22। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इस तरह से ये जो यदि आप अप्लाई होता है तो इन दैट केस आप इसको देखें।
फिर आगे बात करें जो और इंपॉर्टेंट बातें हमारे अकॉर्डिंग उनको बताते हैं। जैसे एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट फ़ी की, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 3000 फ़ी रखी गई है, 3000 फ़ी है। एससी और एसटी और ईबीसी और बीसी और डिसेबल्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 2000 फ़ी रखी गई है, मतलब 2000 रुपये। और लेट फाइन की जो बात की गई है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो 500 की बात की गई, ठीक है। दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट के लिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप देख लेना फॉर्म फिलअप करते वक्त जो है। फिर उसके बाद पैटर्न ऑफ टेस्ट की बात की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021-22 होना है, ये दो पेपर होंगे, इसमें 100 जैसा दिया है कि 100 मार्क्स के प्रत्येक होंगे, ठीक है। पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021-22 विल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, ठीक है, मतलब दो पेपर होंगे और प्रत्येक जो है 100 मार्क्स के होंगे। आप पेपर वन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो दिया हुआ है, ये 50 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये जो है क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड होंगे। और फ्रेंड्स पेपर सेकंड की यदि बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि पेपर सेकंड जो होगा ये भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये कोर कोर्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसा दिया कोर कोर्स CC 012 CC 14 ऑफ द पीजी प्रोग्राम कंसर्न, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो है और भी टेस्ट से रिलेटेड और चीज़ें जैसे दी हुई हैं, इसको आप एक बार जरूर से देखना। जैसे दिया है कि टेस्ट ऑफ बोथ द पेपर विल बी हेल्ड इन अ सिंगल सिटिंग ऑफ 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स, दैट इज़ फ्रॉम 11 AM to 1:45 PM, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो पेपर होंगे एक ही सिटिंग में आपके दोनों पेपर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा दिया है कि 2 आवर्स एंड 45 मिनट, मतलब 2 घंटे 45 मिनट में आपके पूरे पेपर हो जाएंगे, जैसे 11 बजे सुबह से ये 1:45 दोपहर तक होगा, ठीक है। और भी इसमें पेपर के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें दी हैं फ्रेंड, इनको आप एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। इसमें नोट 3 करके दिया है, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन एनी ऑफ द पेपर्स, ठीक है। किसी भी पेपर में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा कि क्लियरली मेंशन है। फिर पीएचडी एडमिशन टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये टेस्ट जो होगा, द टेस्ट विल बी हेल्ड इन टू सिटिंग्स कम्बाइंड, ठीक है। ये टू सिटिंग्स जो है, टू सिटिंग्स में मतलब कम्बाइंड होगा, जैसा कि दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टू सिटिंग्स लेकिन कम्बाइंड की बात की गई, ठीक है। डेट की बात करें तो 2/3/2023, जैसा कि आप ऊपर भी देखें। पेपर वन की बात करें तो ये 11 AM से 12:15 PM तक, और पेपर टू की बात करें तो ये 12:30 से 1:45 तक ये पेपर होंगे, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये दिया हुआ है कि टेस्ट विल बी हेल्ड इन दरभंगा एट डिफरेंट सेंटर्स विच विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट प्रॉपरली ऑन टाइम, ठीक है। ये दरभंगा के डिफरेंट सेंटर्स पे, मतलब दरभंगा में होगा और डिफरेंट सेंटर्स पे होंगे, ठीक है। और ये आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कैंडिडेट को जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे कि कहाँ पे उनका ये सेंटर रहेगा, ठीक है। फिर नोट करके दिया है, 20% ऑफ द सीट इन सब्जेक्ट शैल बी रिजर्व फॉर नेट और JRF और DST इंस्पायर कैंडिडेट। इन कैंडिडेट के लिए 20% सीट की जो है बात की गई रिजर्व होने की, ठीक है, रिजर्व रहेगी। और आगे बात की है नोट 4 करके, इसको आप देख सकते हो, ये सीट्स फॉर टीचर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ LNMU शैल बी ओवर एंड एबव द वैकेंसी शोन बिलो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको भी आप देख लेना, आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है, तो इसको भी आप देख लेना यदि आप अप्लाई होता है तो। फिर नोट करके दिया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्म, यदि आपको फिलअप करना होगा तो एक एक पॉइंट इसके जो है अच्छे से आप देख लेना। फिर लास्ट में यहाँ पे शेड्यूल ऑफ पैट 2021-22 की बात की गई है, ये एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स की फिर दिया है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की दिया है, जो कि 24/1/2023 डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की गई है विदाउट फाइन की, जो है तो 10 फरवरी 2023 है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद फाइन की बात की गई है 15 फरवरी 2023 है। इसी दोस्तों ये बाकी और भी डिटेल्स दिए हैं, आप इनको एक बार जरूर से अच्छे से देख लेना। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि कहाँ से जाकर के इस PhD नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की वेबसाइट पे हैं। इसकी वेबसाइट जो है LNMU.ac.in जो इसकी वेबसाइट है फ्रेंड। इस पे जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर के आप देख सकते हैं, जैसा कि ये एडमिशन सेक्शन में जब आप जाएंगे तो इसमें जा करके आप डिटेल देख सकेंगे, ठीक है। इसमें जा करके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे यहाँ
तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये एडमिशन रिलेटेड न्यूज़ करके दिया है। इसमें एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021-22 की बात की गई है। इस पर क्लिक करके आप आगे जो है डिटेल से इसका देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स हैं इसमें, जैसे जब आप नीचे जाएंगे फ्रेंड तो यहाँ पे लास्ट में जो है जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। ये इस फाइल को ओपन करके जो भी हम लोग नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे पीएचडी नोटिफिकेशन की, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, यदि आपको लगता हो कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेट्स या फिर सेट या स्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेज या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है सारे वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकेंगे। और कुछ वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के आई बटन में भी जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप देख सकेंगे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं कि आप खुद से भी जो है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है आप खुद से वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, पढ़ने से पहले सेटिस्फाई होने। यदि आपको लगता है कि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना पेशेंस के साथ आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।